तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फेसबुक रील्स वीडियो को दूसरों को अपने स्टोरी पर शेयर करने से रोकने का तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके फेसबुक रील्स वीडियो को दूसरा कोई भी अपने स्टोरी पर शेयर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने फेसबुक रील्स वीडियो को दूसरों को अपने स्टोरी पर शेयर करने से रोकने के लिए इस तरफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए सबसे पहले फेसबुक ऐप को ओपन कर लेते हैं। फेसबुक ऐप को ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहां पर ऊपर की ओर राइट साइड में नजर आ रहे प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करें। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पर ही क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जो कि सबसे ऊपर पहले नंबर पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेटिंग्स का। तो इस पर ही क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद ऊपर की तरफ कुछ दूर स्क्रॉल करें। तो चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं। ऊपर की तरफ कुछ दूर स्क्रॉल करने के बाद यहां पर रील्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पर ही क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहां पर सबसे ऊपर पहले नंबर पर नजर आ रहे अलाउ अदर्स टू शेयर योर रील्स टू देयर स्टोरीज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट कर दें। इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए इस ऑप्शन के ठीक राइट साइड में एक बटन देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस पर ही क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही अब ऑप्शन डीएक्टिवेट हो चुका है। अब आपके फेसबुक रील्स वीडियो को कोई भी अपने स्टोरी पर शेयर नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी अपने फेसबुक रील्स वीडियो को दूसरों को अपने स्टोरी पर शेयर करने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।